नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक खास टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे जो है ब्रेन पावर या दिमागी रूप से जो कमजोरी आती है, इसके साथ में ब्रेन फॉग है, ब्रेन फटीग है, ब्रेन वीकनेस है, नर्वस वीकनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो तमाम सिचुएशंस पैदा होती है उनके पीछे कारण क्या रहते हैं, इन लोगों के अंदर क्या लक्षण प्रारंभिक अवस्था में दिखते हैं, साथ में इन लक्षणों को कैसे नेचुरल तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और खास दो होम्योपैथिक मेडिसिन की आपसे चर्चा करेंगे जो इन लक्षणों से आपको निकालने में बाहर निकालने में मदद करेगी, और इन पावर इनकी क्या क्या पावर है, कितने समय तक आप ले सकते हैं, ये मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, साथ में अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो कैसे परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो के साथ आपसे शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलें। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका जेन्युइन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप तक पहुँचाया जाए। आज उसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन पावर को या दिमागी रूप से जो कमजोरी आती है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, छोटे बच्चों, बड़ों के अंदर, वुमेन्स के अंदर या मेल के अंदर, किसी में भी देखने को मिल सकती है और कभी भी हो सकती है। यानी कि जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है लेकिन चलते चलते उनके अंदर ब्रेन पावर कम होने लग जाती है, दिमागी रूप से वो लोग कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स तक जाने लग जाते हैं, तो ऐसी जो तमाम जो दिक्कतें होती हैं उन चीज़ों का सोल्यूशन होता है, और अच्छी तरीके से उनके कारण को अगर फाइंड आउट किया जाए तो आसानी से अपनी चीज़ों से बाहर भी आ सकते हैं। खास तौर से दोस्तों मेमोरी के बारे में बात की जाती है कि बच्चों की मेमोरी कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेमोरी के लिए किसी तरीके की कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन उनकी मेमोरी के अंदर कुछ कारणों की वजह से डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, उनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उन कारणों को अपन पहचान के उनको ट्रीट किया जाए तो आसानी से उनकी जो प्रेजेंट मेमोरी होती है वो वापस रिटेन की जा सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों क्या क्या कारण होते हैं जो आपकी दिमागी रूप से कमजोरी के कारण बनते हैं। सबसे खास कारण दोस्तों बताना चाहेंगे, बहुत सारे मनी फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ को अफेक्ट करने के लिए, लेकिन खास होता है कि अगर आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपका खान पान सही तरीके का नहीं है, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ सकती है। चाहे वो खाने के अंदर आपके किसी भी तरीके विटामिन्स की हो, प्रोटीन्स की हो, कोई भी कमी हो, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है, या फिर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, उस वजह से आपका एनर्जी लेवल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है या आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण रहता है कि प्रॉपर तरीके से आपकी फिजिकल अगर एक्टिविटी, मेंटल जो है एक्टिविटी के बराबर नहीं होती है, तो भी आपके अंदर इम्बेलेंस होने की वजह से या आप मेंटल जो एग्जर्शन ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर ब्रेन फॉग या ब्रेन वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। कुछ जो केस होते हैं दोस्तों, जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है उनके अंदर भी ज़्यादातर देखने को मिल सकती है। साथ में जिन लोगों की नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, पूरी 7 से 8 घंटा नींद नहीं हो पाती है, साउंड स्लीप नहीं होती है, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। या जो लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके की मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो साइड इफेक्ट के रूप में आपके अंदर ब्रेन वीकनेस पैदा कर सकती हैं। कुछ जो अल्कोहल है, आपकी ड्रग्स होती हैं या जो एडिक्शंस होते हैं, वो भी आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या थायराइड के अंदर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जीमस डिजीज़ है, डिमेंशिया है, आपका माइग्रेन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये जो तमाम जो दिक्कतें होती हैं उनके अंदर भी आपको ब्रेन वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ट्रांजिएंट आपका इस्केमिक अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ब्रेन को कम होती है तो भी आपको हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर या किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है तो भी आपकी ब्रेन वीकनेस को इफेक्ट कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन लोगों के अंदर कैसे कैसे लक्षण देखने को मिलते हैं या कैसे उनके अंदर सेंसेशन आते हैं। खास तौर से दोस्तों इनका चेहरा देखने से ही पता चल जाता है कि इनके चेहरे से निराशा के भाव नज़र आने लग जाते हैं, बिल्कुल चेहरा मुरझाया सा होता है, लटका सा होता है, ये लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दिमागी रूप से सुस्त हो जाते हैं, इनकी सोचने की जो शक्ति होती है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, वो अपने आप में खिनता महसूस करने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, बेचैन रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने लग जाते हैं, अपने आप में अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, इनके साथ में हर चीज़ पर उनके ऊपर इतना गुस्सा उनका आने लग जाता है, हर चीज़ पर चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाते हैं, उनकी जो को कंसंट्रेशन, उनकी जो कंसंट्रेशन फोकस पावर होती है वो उनकी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, याददाश्त नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ें भी उनको याद नहीं रहती है, ये धीरे धीरे ऐसे है कि छोटी छोटी बातों पे भी ये लोग भूल जाते हैं।
ऐसी दिक्कत होने लगती है, अपनी जो बीमारी है उनके बारे में बहुत गहराई से सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, यानी कि इतने डीप तक चले जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, या इनके अंदर इतनी ज़्यादा निराशाएं दिमाग के अंदर हावी होने लग जाती है, इनके आइडियाज जो होते हैं वो फिक्स होने लग जाते हैं, उनके दिमाग के अंदर अलग तरीके का डर सताने लग जाता है, डरे डरे से रहते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं, उनके साथ साथ में उनका GIT डिसऑर्डर भी रहने लग जाते हैं, बार बार मेंटल वीकनेस रहने की वजह से आपके अदर सिस्टम पे भी इफेक्ट आने लग जाता है, फिजिकल आपके वीकनेस भी देखने को मिलने लग जाती है। अब दोस्तों ये जो तमाम सिम्टम्स होते हैं उनको अपन नेचुरल तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने अभी कारण पे आपको बताया कि कारणों को सही तरीके से अगर मैनेज करें तो आसानी से आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। जैसे आपकी नींद अगर सही तरीके से होती है तो आप ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर है, आपको न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है तो भी आप ठीक हो सकते हैं। कुछ जो होते हैं दोस्तों इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, इमोशनल ट्रोमा आपको लग जाता है, बिल्कुल आघात, अचानक से कोई ऐसी बात आपके दिमाग में चुभ जाती है या ऐसी कोई सूचना आपको मिल जाती है, उससे भी आपको ये चीज़ें हो सकती है। तो उन चीज़ों से जैसे आप एटमोसफेयर से बाहर अगर जाते हैं या कुछ उन चीज़ों को जगह चेंज करने से भी इन चीज़ों के अंदर राहत मिल सकती है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी अगर प्रॉपर है तो भी आप इनसे राहत पा सकते हैं। कुछ जो मेन जो कारण होते हैं उनको अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए, आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाए, आपको साइकोथेरेपी दी जाए, तो आप आसानी से इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं और अपनी पहले वाली परफॉर्मेंस पे बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। अब बात करेंगे कि दोस्तों ये तमाम जो मैंने आपको लक्षण बताए उन लक्षण को खास तौर से दो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, वो आसानी से उन चीज़ों सब सिम्टम्स को कवर करती है और उनको कंटिन्यू टाइम टू टाइम लेने से इन चीज़ों से आप आसानी से एंग्जाइटी, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स भी बनते हैं उनको भी आपसे उनसे भी आपको बाहर लाने में मदद करती हैं। सबसे खास लीडिंग मेडिसिन है दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस मेडिसिन 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद बड़ों के अंदर दिन में 3 बार दे सकते हैं, छोटों के अंदर 1-2 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस मेडिसिन को आप 1.5-2 महीने या 3 महीने तक कंटिन्यू यूज करें तो जाके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने लग जाते हैं। ये जो तमाम सिम्टम्स बताएं, चाहे मेमोरी की प्रॉब्लम हो, चाहे लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो, लैक ऑफ ब्रेन पावर हो, किसी भी तरीके के सिम्टम्स हो, ये मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है और आपकी छोटी छोटी समस्याओं से आपको निजात दिला सकती है। सेकंड जो मेडिसिन है वो दोस्तों ब्राह्मी। ब्राह्मी को बेकोपा मोनेर भी बोलते हैं। ब्राह्मी की मदर टिंचर को 15-20 बूंद एडल्ट्स के अंदर आधा कप पानी में दिन में 3 बार देने से उनके अंदर मानसिक शांति, जो दिमाग के अंदर थॉट्स प्रोसीजर चल रहा है, जो झंझावात दिमाग में चल रहे होते हैं, उनसे धीरे धीरे ये मेडिसिन आपको निजात दिलाती है और काफ़ी तरीके की जो एडवांस मेंटल इलनेस है उनकी तरफ जाने से आपको बचाती है। इसको मेडिसिन को आप कंटिन्यू 2-3 महीने तक यूज करें, इसके बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलने लग जाते हैं। छोटे बच्चों के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, 5-5 बूंद आधा या चौथाई कप पानी के अंदर उसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन को दोस्तों आप कंटिन्यू 2-3 महीने तक यूज करें, उनका बेस्ट रिजल्ट आप इनको धीरे धीरे देखने को मिलने लग जाता है। ये मेडिसिन आपको नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। अगर अवेलेबल नहीं होती है तो इस वीडियो के स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप पेड कंसल्टेशन हमारे से ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएँ जिससे जो आपको वीडियोज हमारे आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग, होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।